सो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पठान मूवी सलमान खान का कैमियो देखा था, वैसे मैं आज आप लोगों को 15 ऐसे एक्टर्स का नाम बताने वाला हूँ जो कि बहुत बड़ी बड़ी मूवीज में कैमियो करने वाले हैं। ये सारी की सारी मूवी बहुत बड़ी बड़ी होने वाली है जिसमें बड़े बड़े एक्टर कैमियो करने वाले हैं। सो टाइम को ज्यादा खराब ना करते हुए मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो कौन से एक्टर हैं और किस मूवी में वो कैमियो करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 15 पे विक्की कौशल, ये हमारे को देखने को मिलने वाले हैं डंकी मूवी में, जहाँ पे ये प्ले करने वाले हैं एक फौजी का रोल। नंबर 14 पे जॉन अब्राहम, जो कि हमारे को कैमियो करते दिखाई दे सकते हैं वेलकम 3 में। वो हमारे को देखने को मिले थे वेलकम बैक में, जिसकी वजह से वो हमारे को सिर्फ कैमियो में देखने को मिलने वाले हैं वेलकम 3 में। रिपोर्ट्स की माने तो वेलकम 3 में अब हमारे को देखने को मिलने वाले अक्षय कुमार। इसी के साथ साथ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि अर्षद वारसी और संजय दत्त रिप्लेस करने वाले हैं नाना पाटेकर और अनिल कपूर को। नंबर 13 पे संजय दत्त, जो कि हमारे को कैमियो करते दिखाई दे सकते हैं धमाल 4 में। जी हां, धमाल 4 का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसके साथ साथ हमारे को ये भी पता चल चुका है किसमें हमारे को अजय देवगन देखने को मिलने वाले हैं। पर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हमारे को संजय दत्त का कैमियो देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे को इसके पहले और दूसरे पार्ट में देखने को मिले थे, जिसके बाद इस मूवी के डायरेक्टर ने इसको रिवोट करा, जिसमें हमारे को अजय देवगन देखने को मिले। नंबर 12 पे अक्षय कुमार इन भूलभुलैया 3। सो रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार लौटने वाले हैं भूलभुलैया फ्रेंचाइजी में। रिपोर्ट्स की माने तो टी सीरीज भी अपना एक हॉरर यूनिवर्स बनाने के लिए तैयार है, जिसमें सबसे आगे होने वाली भूलभुलैया फ्रेंचाइजी, जिसके पहले पार्ट में हमारे को देखने को मिले थे अक्षय कुमार, फिर इसके दूसरे पार्ट में हमारे को देखने को मिले थे कार्तिक आर्यन, जिसकी रिपोर्ट ये आ रही है कि इसके थर्ड पार्ट में हमारे को कार्तिक आर्यन देखने को मिलेंगे, पर उसी के साथ साथ अक्षय कुमार का कैमियो भी देखने को मिलेगा, जो कि हिंट होगा इसके फोर्थ पार्ट का, जिसमें हमारे को अक्षय कुमार वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नंबर 11 पे टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। जी हां, ये सारे के सारे हमारे को कैमियो करते हुए दिखाई दे सकते हैं सिंघम 3 में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि रोहित शेट्टी भी अपना एक कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं, जिसमें हमारे को अक्षय कुमार और रणवीर सिंह तो पहले से देखने को मिल चुके हैं, पर अब इस कॉप यूनिवर्स में जुड़ने वाला है सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिनकी एक वेब सीरीज आने वाली है। उसी के साथ रिपोर्ट्स की माने तो टाइगर श्रॉफ भी इस यूनिवर्स में देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से रिपोर्ट ये आ रही है कि चारों हमारे को कैमियो करते दिखाई दे सकते हैं सिंघम 3 में। नंबर 10 पे साई पल्लवी, जो कि हमारे को पुष्पा 2 में कैमियो करती हुई दिखाई दे सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो वो हमारे को विलन के तौर पे देखने को मिलने वाली है, जिनका रोल कम से कम 20-25 मिनट का होने वाला है। और दूसरी रिपोर्ट निकल के ये आ रही है कि वो हमारे को अल्लू अर्जुन के साथ रोमांस करती हुई दिखाई दे सकती है। अब वो किस रोल के लिए कैमियो करने वाली है वो कंफर्म नहीं है। नंबर 9 पे संजय दत्त एंड थालापति विजय, जो कि हमारे को बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है शाहरुख खान की जवान मूवी में। थालापति विजय तो पहले से कंफर्म था कि वो हमारे को कैमियो करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इस मूवी का डायरेक्टर है इटली। पर संजय दत्त के कैमियो के बारे में हमारे को कुछ दिन पहले ही पता चला, जब अल्लू अर्जुन ने इस कैमियो के लिए मना कर दिया था। तो रिपोर्ट्स की माने तो संजय दत्त और थालापति विजय कंफर्म है कि हमारे को कैमियो करते हुए दिखाई दे सकते हैं जवान मूवी में। नंबर 8 पे वरुण धवन एंड कृति सेन, जो कि हमारे को कैमियो करते हुए दिखाई दे सकते हैं स्त्री 2 में। तो जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि दिनेश विजयन भी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें इंक्लूड होने वाले स्त्री एंड भेड़िया। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि राजकुमार राव ने कैमियो करा था भेड़िया मूवी में, अब वरुण धवन कैमियो करने वाले हैं स्त्री 2 में, जहाँ पे वो राजकुमार राव की हेल्प करने वाले हैं स्त्री को ढूंढने में। वहीं पे रिपोर्ट्स की माने तो हमारे को कृति सेनन का भी कैमियो देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमारे को पता चलेगा कि वो मरी नहीं है। नंबर 7 पे आयुष्मान खुराना, जो कि हमारे को देखने को मिल सकता है भेड़िया 2 में। तो रिपोर्ट्स की माने तो हमारे को आयुष्मान खुराना कैमियो करते दिखाई दे सकते हैं भेड़िया 2 में, क्योंकि वो प्ले करने वाले वैम्पायर का रोल दिनेश विजयन के हॉरर यूनिवर्स में। तो रिपोर्ट्स निकल के यार के वैम्पायर मूवी का कनेक्शन होने वाला है भेड़िया मूवी के साथ, जहाँ पे आयुष्मान खुराना ने बचाया हुआ कृति सेनन को मरने से, जब वो पहाड़ों से गिर गई थी। नंबर 6 पे थालापति विजय, जो कि अपनी ही मूवी के रीमेक में हमारे को कैमियो करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, उनकी मूवी थेरी का रीमेक बनने जा रहा है, जिसमें हमारे को वरुण धवन देखने को मिलने वाले हैं। उस रीमेक मूवी को प्रोड्यूस करने वाले इटली, जिन्होंने ओरिजिनल मूवी को डायरेक्ट किया था। इसी वजह से रिपोर्ट निकल के यार के हमारे को थालापति विजय का कैमियो देखने को मिल सकता है। नंबर 5 पे कमल हासन से सूर्या एंड कार्थी, जो कि हमारे को कैमियो करते हुए दिखाई दे सकते हैं लियो मूवी में। तो ये भी एक यूनिवर्स की तैयारी चल रही है, जो कि होने वाली है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें हमारे को विक्रम और केठी तो पहले से देखने को मिल चुके हैं, अब बारी है लियो मूवी की। इसके बाद हमारे को देखने को मिलेगी सूर्या के रोलेक्स पे मूवी, केटी 2 एंड विक्रम 2। सो इन तीनों आने वाली मूवीज की वजह से ये तीनों कैमियो करते दिखाई दे सकते हैं लियो मूवी में। नंबर 4 पे रणवीर सिंह, जो कि हमारे को कैमियो करते हुए दिखाई दे सकते हैं गोलमाल 5 में। तो जैसे कि हम लोगों ने सर्कस मूवी में हिंट देखा था गोलमाल 5 का, उसी वजह से रिपोर्ट निकल के ये आ रही है कि रणवीर सिंह कैमियो कर सकते हैं गोलमाल 5 में, या फिर वो प्रॉपर से पार्ट भी हो सकते हैं गोलमाल 5 का, जो कि अभी कंफर्म नहीं है। पर ये कंफर्म है कि रणवीर सिंह का कुछ ना कुछ हमारे को जरूर देखने को मिलेगा गोलमाल 5 में, जिसे सुनकर ये लग रहा है कि रोहित शेट्टी एक और यूनिवर्स बनाने को तैयार है, जिसका नाम होने वाला है रोहित शेट्टी कॉमेडी यूनिवर्स। अब बढ़ते टॉप 3 की और, तो नंबर 3 पे है जॉन अब्राहम, जो कि हमारे को देखने को मिल सकते हैं वॉर 2 में। तो रिपोर्ट्स की माने तो वॉर 2 में हमारे को जॉन अब्राहम जिम के रोल में देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे हमारे को पता चलेगा कि वो अभी मरे नहीं है, जिसके बाद हमारे को जिम पे एक प्रॉपर से मूवी देखने को मिलेगी और वो भी पार्ट होगा स्पाई यूनिवर्स का। नंबर 2 पे शाहरुख खान, ऋतिक रोशन एंड जूनियर एंटर, जो कि हमारे को कैमियो करते हुए दिखाई दे सकते हैं टाइगर 3 में। शाहरुख खान का तो हमारे को कंफर्म था कि वो टाइगर 3 में देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे उनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। पर अब रिपोर्ट्स ये आ रही है कि ऋतिक रोशन और जूनियर एंटर भी हमारे को कैमियो करते हुए दिखाई दे सकते हैं टाइगर 3 में, जिसकी वजह से हमारे को वॉर 2 मूवी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका पूरा बेस होने वाला है टाइगर 3 से, क्योंकि अब टाइगर 3 ही मेन मूवी होने वाली, जो कि आगे आने वाली मूवीज के साथ कनेक्शन जोड़ेगी। नंबर 1 पे यश, जो कि हमारे को
सलार मूवी में कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। आजकल का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि ऐश कुमार को सलार मूवी में कैमियो करते हुए दिखाई देंगे या फिर नहीं, पर रिपोर्ट्स की माने तो ये कंफर्म है कि वो हमारे को कैमियो करते हुए दिखाई देंगे सलार मूवी में। कुछ महीने पहले रिपोर्ट्स भी आई थी कि ऐश ने शूटिंग की है यूरोप में, जिसके बाद ये लगता है कि वो हमारे को पक्का देखने को मिलेंगे सलार मूवी में। सो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग किस कैमियो के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे फिल्मी कीड़ा है। कुछ कहना कुछ बताना, मैं मिल जाऊंगा सोशल मीडिया पे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।